नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 में शिक्षा, नौकरी और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहने वाला है वर्ष 2023। वर्ष 2023 शिक्षा, नौकरी और व्यापार की दृष्टि से मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आने वाला और क्या बुरी चीज़ें लेकर आने वाला, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। वर्षफल 2023 शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। इस वर्षफल 2023 को हमने चार भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला भाग जो है वो आया था आपके स्वास्थ्य, परिवार और धन संपत्ति की स्थिति के ऊपर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा पार्ट जो आया था वो आया था आपके लव लाइफ और मैरिज लाइफ के ऊपर। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके पश्चात भाग तीन जो है वो है शिक्षा, नौकरी और व्यापार के ऊपर। भाग चार जो हम लाने वाले थे वो था आपके व्यापार और धन लाभ के ऊपर। तो हमने व्यापार और धन लाभ और शिक्षा नौकरी को दोनों को कंबाइन करके भाग तीन ही बना दिया। तीन और चार को कंबाइन करके भाग तीन बना दिया जो है शिक्षा, नौकरी और व्यापार के ऊपर। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2023 में मकर राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा, नौकरी और व्यापार की दृष्टि से वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2023 जो है मकर राशि वाले जातकों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है। साल के शुरुआती महीनों में प्रतियोगिता और परीक्षा में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हमें नजर आ रही है। जो लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा परीक्षा की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलने के योग हमें बनते नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए साल के दूसरे भाग में मकर राशि के छात्रों को अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी एकाग्रचित्ता बढ़ानी होगी। अगर वो एकाग्रचित्ता बढ़ाते हैं तो आपको बहुत अच्छे एडवांटेज इस वर्ष 2023 में आपको प्राप्त होंगे आपके एजुकेशन से रिलेटेड। ध्यान भटकने नहीं दे, ध्यान भटकने के कारण आपके थोड़ी सी परेशानियाँ प्राप्त होगी जीवन में। आपका जो मन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा एजुकेशन से, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानियां प्राप्त होगी। इसलिए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट न होने दें, अपने पढ़ाई में ध्यान लगा कर रखें, मन एकाग्रचित्तता में रखें तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ अगर देखा जाए तो साल के अंत में आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य का परेशानियां प्राप्त होने के योग है। शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूंगा आपको थोड़े हेल्थ इश्यू ऐसे प्राप्त हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होना देख सकता है। इसलिए थोड़ी सी लापरवाही से बचे, खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखें। साल के अंत में अक्टूबर के बाद का महीना अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीन चार महीने जो आते हैं इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड कम समस्याएं देखने को मिलेगी। आप स्वास्थ्य अगर अच्छा रहा तो अच्छी पढ़ाई भी करेंगे और अच्छा धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर नौकरी की दृष्टि से बात की जाए कि नौकरी की दृष्टि से वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। नौकरी की दृष्टि से अगर देखा जाए जो लोग फ्रेशर है उनके लिए पेशेवर जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। जो नई नई नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे एडवांटेज इस वर्ष 2023 में है। वहीं जो लोग अभी तक अपने करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव देख रहे थे, नौकरी में उतार चढ़ाव देख रहे थे, आपको कभी सैलरी मिल नहीं रही थी या आपको बहुत ज़्यादा अपनी एबिलिटी होते हुए भी उस एबिलिटी से नीचे की नौकरी करनी पड़ रही थी, उन्हें वर्ष 2023 में अचानक से वृद्धि, प्रमोशन वगैरह इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी, रिकग्निशन देखने को मिल सकता है। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे अगर आपने शनि को स्थापित कर रखा है तो। इस वर्ष ऐसे योग बन रहे हैं कि आप अपने मौजूदा करियर में थोड़ा ब्रेक लेते हुए उन रचनात्मक क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे जो आपके पैशन में है, जिन्हें करने से आपको थोड़ी खुशी मिलती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा नौकरी से रिलेटेड कि नौकरी में आप अपने बॉस के साथ थोड़ी वाणी में मिठास रखेंगे तो जीवन में आपको प्रमोशन या आपको सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह जो सारी चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए वो अच्छी तरीके से प्राप्त होती रहेगी। वही अगर बात करी जाए व्यापार की दृष्टि से, अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2023 में व्यापार की दृष्टि से उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो व्यापार करते हैं उन्हें नए नए आइडियाज इस वर्ष 2023 में प्राप्त होंगे। आप जिन भी कार्यों को करेंगे उनमें आपको पॉजिटिवनेस ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और इस साल आपको अगर पार्टनरशिप का बिजनेस करना है या पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं पहले से तो भी आपको नई डील प्राप्त
प्राप्त होगी या आपका व्यापार जो है वो नए आयामों तक पहुंचेगा, पार्टनरशिप का व्यापार। यह चीज आप ध्यान रखें। और जिसका लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि आपका व्यापार जो है वो बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, व्यापार में बेनिफिट नहीं हो रहा है, जो सेल्फ बिजनेस करते हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, छोटी दुकानें वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि व्यापार में जो स्टकनेस थी, ग्राहक नहीं आना वगैरह, ग्राहक में या प्रॉफिट नहीं होना, ग्राहक संतुष्टि नहीं होना, तो ऐसी जो सारी चीजें थी वो दूर होती रहेगी और आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। ग्राहक के साथ थोड़ी मिठास से बातचीत करिएगा, आपका व्यापार पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चलता नजर आ जाएगा। ग्रह गोचर अच्छी स्थिति में आ चुके होंगे 17 जनवरी के बाद, आपको बहुत अच्छे परिणाम भी देता रहेगा शनि, यह चीज आप ध्यान रखें, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट अपने व्यापार में हो सकते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 2023 आपके लिए शानदार रहने वाला है मकर राशि वालों, उतार चढ़ाव का दौर खत्म होगा और पेशेवर जीवन में स्थिरता आएगी, ऐसा योग हमें बनता नजर आ रहा है। अब चाहे व्यापार हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, हर तरीके से आपको अच्छे योग हमें बनते नजर आ रहे हैं। वही अगर उपाय की बात करी जाए, उपाय क्या करना चाहिए आपको मकर राशि वालों, उपाय के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिदेव को आप जो है तेल अर्पित करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में बुजुर्ग समेत आपके पिता तुल्य जो भी लोग हैं या आपके दादाजी वगैरह हैं, तो उनका आशीर्वाद लेवे, उनके चरण स्पर्श करके आपको जीवन में अच्छी तरीके प्राप्त होगी। तो आज वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक निवेदन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ शिव बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।